मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जनरल वी के सिंह ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह का एमपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक समारोह मनाया जाता है, जिसमें शिक्षा परिषद के सभी विद्यालय के छात्र व छात्राएं शामिल होते हैं, जिसका शुभारंभ किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि भारत सरकार के सड़क व परिवहन राज्य मंत्री डॉक्टर जनरल वी के सिंह थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए भारत सरकार के सड़क व परिवहन राज्य मंत्री डॉक्टर जनरल वी के सिंह ने कहा कि अध्यापक आपके अंदर ऐसी भावना पैदा करते हैं जो कि आपके आगे तक मार्गदर्शन करता रहेगा और आपके अंदर हमेशा साहस भरता रहेगा। महाराणा प्रताप के नाम से अपने आप दो चीज़ें आती हैं, जिसमें एक कभी पीछे नहीं हटना और दूसरा कोई बाधा आ भी जाए तो घबरा कर नीचे नहीं झुकना है, उसके लिए दूसरा रास्ता निकालना है। यह गुण आपके अंदर आ गया तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप की प्रेरणा हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इन सभी महापुरुषों को व ऋषि मुनियों का एक ही ध्येय था, आप सभी का छात्र के रूप में ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए और यदि शिक्षक हैं तो एक शिक्षक के रूप में ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। उसके बाद सभी विद्यालयों के छात्र व छात्राएं अपने अपनी झांकियों के साथ मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए आगे बढ़ी, जिस पर मुख्य अतिथि डॉक्टर जनरल वी के सिंह ने सलामी ली। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से सादर अभिनंदन और महाराणा प्रताप के इस अपने जनरल साहब को फाइल को निपटा दीजिए तो जनरल वी के सिंह जी भौंच से निकल जाने और कभी उस ऑफिस कैंपस में दिखाई दिया और इस रक्षा सौदों की महामारी को निपटाने के सप्ताह के समारोह में मौजूद गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी अध्यक्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक पिपराय श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रताप शुक्ला जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर नगर निगम डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, मेजर जनरल अतुल वाजपेयी कुलपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, ब्रिगेडियर डॉक्टर डीसी ठाकुर जी, श्री राजेश मोहन सरकार सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, श्री प्रमोद कुमार चौधरी सदस्य महाराणा प्रताप परिषद, श्री अनन्य प्रताप शाही सदस्य महाराणा प्रताप परिषद, श्री ज्योति प्रकाश मुस्करा सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, श्री रेवती रमन दास अग्रवाल सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, श्री प्रमोद नाथ मिश्र सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, श्री राम जन्म सिंह सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, योगी कमलनाथ जी, महंत रविंद्र दास जी, महंत सतुआ बाबा जी और यहाँ पर बैठे शिक्षा परिषद से संबंधित, विश्वविद्यालय से संबंधित सभी गुरुजन, सभी वहाँ के कर्मी और सभी विद्यार्थीगण जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और संस्थापक सप्ताह के अंदर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जरा एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए संस्थापक संस्था के लिए, क्योंकि जो कुछ मैंने अभी तक देखा है, मैं कहना चाहूंगा कि इतना अच्छा अनुशासन और इतना अच्छा प्रबंध बहुत विरले ही देखने को मिलता है, वो मुझे आज देखने को मिला है और इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबको साधुवाद देना चाहता हूं।
किसी भी संस्था के मापदंड होते हैं कि जो बच्चे वहां पर आते हैं, जो विद्यार्थी वहां पर आते हैं, उनकी वर्तमान में क्या उनके लिए किया जाए ताकि वो भविष्य में देश के कर्णधार बने। और आप सब विकसित भारत के कर्णधार हैं। जो यहां पर आपको सिखाया जा रहा है, जो देखने को दिखाई देता है, मैं ये कहूंगा कि मुझे कोई शक नहीं है कि आपके अंदर वो सब गुण मौजूद हैं जो भारत को आगे लेकर जाएंगे। शांति ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो मरघट जैसे शांति दिखाई दे। शांति का मतलब उत्साह और उमंग की कमी न हो, लेकिन अनुशासन हो। भारत माता की, भारत माता की। ये जो साइड में पीछे बैठे हुए हैं, क्या ये सबके लड्डू खाने के लिए ही आए हैं क्या? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे, वंदे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय मंत्री, भारत की सेना के पूर्व अध्यक्ष, अरे नाम बोलिए ना, अभी जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह समारोह का कार्यक्रम का उद्घाटन अभी आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी के उद्बोधन के साथ प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका गोरखपुर आगमन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं जनरल वीके सिंह जी भारतीय सेना के अध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में किस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, एक किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक आर्मी का जनरल जिन्होंने भारतीय सेना को नेतृत्व दिया हो, विपरीत परिस्थितियों में भारत के आन मान और शान की रक्षा करने के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति पे खड़े होकर के कार्य किया हो, सेवानिवृत्त के बाद सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हुए जनता जनार्दन के विश्वास का प्रतीक भी
उसी तरीके से कर सकेंगे। यह अद्भुत यह स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। कुछ चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जन विश्वास का प्रतीक वही बनता है जिसके आचार और विचार में समन्वय होता है। जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, वो लंबे समय तक जन विश्वास का प्रतीक नहीं बना रह सकता। जब व्यक्ति की कथनी और करनी में समन्वय हो तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी उसे प्राप्त होता है और वह बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना बड़ी सुगमता के साथ करने में सक्षम होता है। दूसरा, जो आपने एक और चीज देखी होगी, आर्मी बैकग्राउंड हो तो लोग ये मानते हैं कि जीवन में अनुशासन जरूर है लेकिन आगे खान पान की स्थिति उनकी क्या होगी। जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी भारतीय आर्मी के संभवतः पहले जनरल होंगे जो विशुद्ध शाकाहारी हैं और विशुद्ध शाकाहारी होने के साथ साथ पूरी सात्विकता के साथ सप्ताह में एक दिन का व्रत रखते हैं। आज भी उनका व्रत है। स्वाभाविक रूप से एक नई प्रेरणा तमाम नागरिकों को मिलती है। आज जब महाप्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम है, आपने उद्घाटन कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन में शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी के उद्बोधन से आपने सुना होगा, यह वर्ष महाप्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना का 91वां वर्ष है। सन 1932 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाप्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और 1932 से लेकर के लगातार शिक्षा का स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सेवा के तमाम प्रकल्पों के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार में सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए कार्य कर रही है। निरंतर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के द्वारा पल्वित और पुष्पित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, उनके आदर्शों के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं, देश के शौर्य का, स्वदेश और स्वाभिमान का, स्वावलंबन का एक मुद्दा हम सबके सामने आता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल को और उस आयोजन को अपनी आंखों से देखा है। हम आजादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में एक बात कही थी और कही थी पंच प्रण की। आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अगर हमने राह सही चुनी है, याद रखना हर राह मंजिल तक पहुंचाती है। हम लोग महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को प्रदेश की और देश की अग्रणी शैक्षिक और सेवा प्रकल्प के संस्थान के रूप में स्थापित करने के अपने संस्थापकों के भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे और अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी करते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बिना किसी अतिरिक्त हरकत के अपने
समस्या पैदा होने के लिए एम्बुलेंस और उसके बाद हमारे सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और इसके बाद एनसीसी कैडेट्स का महाविद्यालय जंगल भूषण गोरखपुर की टीम विद्यालय चकुआटार कुशीनगर भगवान बुद्ध की नगरी कुशीनगर से पधारी हुई महाराणा प्रताप मीराबाई महिला सीधे देखिए ब्रह्मोस यश बोर ये सारी मिसाइल और इसके बाद सलामी मंच के सामने के साथ महाराणा प्रताप स्काउट गाइड योगीराज बाबा गंभीरनाथ सिलाई और इसके बाद योगीराज बाबा गंभीरनाथ सिलाई बहुत अच्छे यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे मार्च पास्ट करते हुए अपने महिला महाविद्यालय कमर करो बच्चों यहाँ के सलामी मंच के सामने पहुंचने पर गाइड नहीं होना चाहिए माना प्रताप शिक्षा परिषद की वे संस्थाएं हैं जो सीमा और इलाकों में भी स्थापित रानी लक्ष्मीबाई और महारानी दुर्गावती के ड्रेस में हमारे सामने से गुजरता था है वहां से आए हुए हमारे छात्र छात्राएं सैकड़ों की भारतीय सेनाएं नहीं दुनिया की सेनाएं मानती हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने मान रविंद्रनाथ पैरा मेडिकल कॉलेज गुरु गोरक्षनाथ